अच्छा गाइज, एक बात मैं बता दूं, कभी कभी आप लोगों के लिए ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी खुश करती है, और आज की न्यूज़ सुन करके इंजीनियरिंग फ्रेशर स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल खुश हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि जहाँ पे आजकल सॉफ्टवेयर कंपनियों में जॉब से निकालने का एक प्राविधान चल गया है कि नहीं, हम जॉब से निकालेंगे, हम प्रॉफिटेबल बनेंगे, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो फेसबुक हो, अमेजोन हो, कोई भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां इस साल रिक्रूटमेंट करने ही नहीं आई, और किया है जिन कंपनियों ने वो भी बहुत, मतलब गिने चुने लोगों को लेकर गया है। तो ऐसे में देश की एक बड़ी कंपनी जिसका नाम है TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, और TCS इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट IT कंपनी है, और TCS में जॉब करना बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, और इस बार TCS ने दिल खुश कर दिया है, और आई थिंक सबको ये न्यूज़ सुन करके खुशी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि वो न्यूज़ क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से इसमें सेलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो चलिए, वो न्यूज़ देरी ना करते हुए आप लोगों को न्यूज़ बता दिया जाए। तो TCS ने ये बोला है कि वो 40,000 फ्रेशर्स को इस बार 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में हायर करेगा, मतलब 40,000+ जॉब देगा। 40,000 बड़ी बात है यार, ऐसे ही अगर 25-30-100 कंपनियां दे दे तो 40-50 लाख लोगों को तो ऐसे ही जॉब मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली जो TCS ने ये प्रॉमिस किया है कि 40,000 एम्प्लॉय को हायर करेगा, वो हर हाल में पूरा करेगा। TCS का प्रॉफिट भी ठीक ठाक रहा है इस बार। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, TCS जैसी कंपनियों में जॉब करने के लिए ना, आपको ज़्यादा, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत टॉपर हो, बहुत अच्छे पढ़ने में हो, ये स्किल ओरिएंटेड कंपनी है। इन कंपनियों में जाने के लिए 3-4 पॉइंट बड़े मैंडेटरी है, अगर उन 3-4 पॉइंट को आप फुलफिल नहीं करते तो इन कंपनियों में कभी जा ही नहीं पाओगे। सबसे पहला मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कंपनियों का बिजनेस मॉडल क्या है। इनका बिजनेस मॉडल क्या है कि बाहर की कंपनियों से प्रोजेक्ट लेते हैं, बाहर की कंपनियाँ, जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूँ, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट है टीम्स को बिड करके माइक्रोसॉफ्ट से TCS ने लिया हुआ है। फिर ये क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, उनको उस प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग दे करके फिर उस प्रोजेक्ट पे काम कराते हैं। तो ये प्रोसेस चलता है, जैसे गूगल का प्रोजेक्ट है, कभी जनपैक पास, कभी SCL के पास, कभी किसी के पास गूगल एडवर्ड का प्रोजेक्ट होता है जिसे गूगल के थ्रू एडवर्टाइज कर किया जाता है। इतना बड़ा स्केल है, गूगल अकेले संभाल नहीं पाएगा उस चीज को, तो आउटसोर्स करते हैं। तो उसी तरह आउटसोर्स जो काम होता है वो TCS लेता है, बाहर की कंपनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठाता है। तो ऐसे में होता यही है, कुछ जो TCS के इंजीनियर्स होते हैं वो इन पे काम करते हैं, और TCS उन्हें पे करता है, बहुत पैसे कमाता है TCS आपके थ्रू, और आपको भी पैसा कमाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले कमाता है। अब बात करते हैं कि इन कंपनियों में जाएं तो जाएं कैसे, मतलब अगर TCS में मुझे जॉब का अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करें। अब एक तो देखो, ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, डायरेक्टली ये अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं, वेबसाइट पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से भी आपको जॉब मिल सकती है। और TCS जैसी कंपनियाँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर और IT वालों को, कंप्यूटर साइंस और IT वालों को हायर करती है। मतलब आपके अंदर सॉफ्टवेयर स्किल तो जरूरी नहीं कि CSR IT ही ट्रेड हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिक से भी हो, और सॉफ्टवेयर स्किल आपकी अच्छी है, तो ऑब्वियसली TCS में आपको जॉब मिल सकती है। और TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जिस तरह से नाम है, ऑब्वियसली एक ब्रांड है IT सेगमेंट में, तो उस ब्रांड में जॉब पाने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल, अंग्रेजी बोलना मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है। अगर इंग्लिश बोलने नहीं आएगा तो इस कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो क्लाइंट से आपको, आपका जो इंटरव्यू होता होगा उसमें भी पूछा जाएगा आपको अमेरिकन असेंट, ब्रिटिश असेंट, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन कौन से इंग्लिश में, कि अमेरिकन असेंट इंग्लिश आती है, ब्रिटिश असेंट आती है, कौन से इंग्लिश आती है, सबसे बड़ा कम्युनिकेशन स्किल। फिर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी, फिर आपका जो होगा वो टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड तो नथिंग के बराबर ही होता है, मतलब एक तरह से ओवरव्यू होता है टेक्निकल में, ठीक है। कुछ चीजें होती है, जैसे कोर टेक्निकल में आप जा रहे हो तो वहां भी बहुत तगड़ा इंटरव्यू होगा, जैसे प्रोग्रामिंग में जा रहे हो, आप प्रोग्रामर में जा रहे हो तो वहां तो बहुत तगड़ा 5-6 राउंड हो जाएगा आपका टेक्निकल में ही, और वहां पे अच्छे से क्लियर करोगे तो बहुत अच्छे अच्छे पैकेज के भी जॉब मिलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है यहाँ पे सिलेक्शन होने का। तो 3-4 राउंड इंटरव्यू होते हैं, कभी कभी 2 राउंड में भी सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन हाँ, TCS ने जो अनाउंसमेंट किए हैं वो काफी कमाल के हैं और काफी दिल खुश करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कहते हो, TCS ने जो अनाउंसमेंट किया है वो सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि TCS ने सबका दिल खुश कर दिया है।
40,000 प्लस जो फ्रेशर्स को भर्ती करेगा अपनी कंपनी में, वो आई थिंक बहुत ही सराहनीय कदम है टाटा कंपनी का, जितनी सराहना की जाए कम है मेरे हिसाब से। अगर देखो आपको अगर TCS में जॉब करना है, जो स्किल मैंने बताया अगर उस पर आप काम करते हो तो TCS में जॉब लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बस वीडियो में इतना ही। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर में किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से जॉब ले, किस तरह से अपने करियर को आगे लेकर जाए, तो आप लोग career@education.com पे जाके डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।